बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन डॉट नाइनटी नाइन पर स्टूडेंट्स आई होप यू आर एंजॉयिंग एंड स्टडी हैज़ यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड केमिकल काइनेटिक्स हमने चंद दिनों से केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया ठीक है इसमें जो बेसिक टॉपिक्स थे उन पर हमने बहुत सारी डिटेल uh, डिस्कशंस की अब जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे दैट इज़ कोलिजन थ्योरी बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हमारा मेन काम क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कि हाउ रिएक्शन प्रोसीड्स कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड्स होते हैं इन चीज़ों पर बात करेंगे ठीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो बड़ी थ्योरीज एक्सप्लेन की जाती हैं जिसमें से फर्स्ट थ्योरी जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज़ कुलजन थ्योरी और दूसरी थ्योरी जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लेन थ्योरी पर बात करेंगे कलेन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इस बात को समझ लीजिए कि दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कि ये थ्योरी भी आ, हमें ज़्यादातर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है बेसिकली अगर हम डिफरेंट रिएक्शंस को देखें तो हर रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से बहुत हद तक डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू रेट अगर हम एक रिएक्शन का रेट देखें दूसरे रिएक्शन का रेट उससे टेन की पावर्स में डिफरेंट आ रहा होगा ठीक है तो एक बहुत ज्यादा जो डिफरेंस आ रहा होता है डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन में यानी कि डिफरेंट रिएक्शंस के रेट में इस बात को एक्सप्लेन करते हैं ये थ्योरी और दूसरी बात के रिएक्शन प्रोसीड कैसे होते हैं उनको भी ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है ठीक है जैसे नेम से जाहिर है कुलेयन थ्योरी ठीक है तो यहाँ पे इसके हम पॉस्टुलेट लेकर एक्सप्लेन करेंगे कुलेयन थ्योरी हमें क्या इन्फॉर्मेशन बेसिकली इस थ्योरी में तीन मेन पॉइंट्स हैं जो ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस कि रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस होता है रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है और दूसरी बात कि रेट ऑफ रिएक्शन क्यों एक दूसरे से डिफरेंट होते तो फर्स्ट पास्टुलेट इस थ्योरी का आपने याद रखना है नेम कुलेयन थ्योरी यही आपको बता रहा है कि इसमें कही न कहीं ना कहीं कुल की बात आनी है देखिए ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई से दो रिएक्टेंट ने एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर या रिएक्ट होकर कोई प्रोडक्ट बनाना होगा तो प्रोडक्ट में जाने से पहले उनको एक दूसरे के साथ कोलाइड करना पड़ेगा ठीक है तो याद रखना है इसका पहला पॉइंट क्या है रिएक्टेंट मालिक्यूल रिएक्टेंट मालिक्यूल मस्ट कुलाइड विद ईच अदर कोलाइड विद ईच अदर ये थ्योरी ये कहती है कि रिएक्शन कैसे होगा रिएक्शन इज टेक प्लेस बाय द कुल ऑफ रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट के, के मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे टकराएंगे जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे उनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे पहले से मौजूद बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उनको एक दूसरे के साथ आकर कोलाइड करना पड़ेगा जैसे ही वो कोलाइड करेंगे कोलाइड करने से पहले वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे तो कोलाइयिंग के दौरान देखिए दो चीजें होंगी याद रखना है पहला पॉइंट क्या है बॉन्ड ब्रेक्स जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे ठीक है और दूसरा काम क्या होगा एटम रीअरेंज एटम या मालिक्यूल या रिएक्टेंट ठीक है तो उसने रिएक्टन की बात की तो इसको आप एटम भी कह सकते हो मालिक्यूल भी तो आप क्या कहोगे एटम मालिक्यूल अंडर गो रीअरेंजमेंट दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है कि जब रिएक्टेंट मालिक एक दूसरे के साथ आकर कोलाइड करेंगे उनकी कोलहयन के रिजल्ट में क्या होगा पहले से मौजूद जो बॉन्ड है वो टूटेगा ठीक है बॉन्ड टूटने से एटमो की क्या हो जाएगी रीअरेंजमेंट हो जाएगी तो ये दो चीजें आपने यहां पे याद रखनी है कि कोलहन थ्योरी का पहला ये कहता है कि रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट को कोलाइड करना पड़ेगा ठीक हो गया दूसरी बात कि सिर्फ कोलाइड करने से काम नहीं चलेगा कोलाइड करने से काम नहीं चलेगा क्या वैसे कोई से दो रिएक्ट उठाए आपस में कोलाइड कर दे रिएक्शन हो जाएगा नो no. जो कोलाइडिंग मालिक्यूल है जो कोलाइडिंग मालिक्यूल है जब वो एक दूसरे के साथ आकर कोलाइड करे उन मालिक्यूल की सफिशेंट एनर्जी भी होनी चाहिए और उस एनर्जी को हमने नाम दिया था एक्टिवेशन एनर्जी तो इट्स मीन कि ये जो क्लाइडिंग मालिक्यूल है ये कोलाइडिंग रिएक्टेंट है दे मस्ट पोजेस एक्टिवेशन एनर्जी तो ये दूसरा पॉइंट हम ये कहेंगे कि कोलाइडिंग मालिक्यूल या कोलाइडिंग रिएक्टेंट कोलाइडिंग मालिक्यूल मस्ट पोजेस इनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी ये दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज ठीक है कि जो कोलाइड करने के लिए मालिक्यूल आ रहे हैं उनको कोलेजन के बाद प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी प्रोजर्स करना जरूरी होगा ये दूसरा पॉइंट ठीक है तीसरी बात कि जरूरी नहीं है यह सिर्फ ये ही नहीं होगा कि कोलेजन हो एक्टिवेशन एनर्जी हो और हर रिएक्शन में चेंज हो जाए प्रोडक्ट में चेंज हो जाए फॉर सम रिएक्शन वी नीड आर वी हमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी रिएक्टिव वॉलिक्यूल लीड प्रॉपर ओरिएंटेशन ठीक है ये हार के लिए नहीं है ये दोनों तो हर रिएक्शन के लिए है ठीक है कि हर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए कोलाइन बी चाहिए लेकिन कुछ रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो ओरिएंटेशन है जिससे वो एक दूसरे के साथ आके टकरा रहे हैं वो भी फिक्स होनी चाहिए वो भी प्रॉपर होनी चाहिए ठीक है तो नंबर थ्री रिएक्टेंट मस्ट बी इन मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन रिएक्टेंट मालिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो ओरिएंटेशन का मतलब है तरतीब इसका मतलब यह है कि जिन पार्ट्स ने जिन साइड्स ने या जिन एटमों ने चेंज होना है वो एक दूसरे के साथ आकर कोलाइड करें या वो एक दूसरे के साथ आकर टकराएं तो फिर रिएक्शन फ्रूटफुल होगा फिर कलेन फ्रूटफुल होगा अदरवाइज दोनों केसेस के होने के बावजूद कुलयन और एक्टिवेशन एनर्जी के बावजूद रिएक्शन फ्रूटफुल नहीं होगा रिएक्टन प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा इन पॉइंट्स को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि आया हर रिएक्शन के लिए या ये जो पॉइंट्स इसकी थ्योरी ने दिए हैं ये यूजफुल है या नहीं है ठीक है देखिए सबसे पहली चीज याद रखें कि इसने क्या कहा कि रिएक्टेड मालिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कोलायन की जरूरत है कोलायन की जरूरत है वो कोलाइड करेंगे अब ये सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि रिएक्टेड या कोई भी एटम है या मालिक्यूल है उसके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है ठीक है और रूम टेम्परेचर पर वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं मोशन में होते हैं जब वो वाइब्रेट कर रहे होंगे या गैसियस मालिक्यूल है वो वाइब्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे ठीक है रूम टेम्परेचर पर आमतौर पर गैसेस के मालिक्यूल के कोलयन की जब बात की जाए तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट टेन डेज टू पावर थर्टी टू मालिक्यूल पर सेकेंड पर लीटर कोलाइड्स विद ईच अदर पॉइंट समझना है इन गैसेस यानी कि एट एस टी पी इन गैसेस गैसेस में टेन डेज टू पावर थर्टी टू मालिक्यूल पर सेकेंड पर लीटर एक लीटर में एक सेकेंड में टेन डेज टू पावर थर्टी टू मालिक्यूल को लाइड करते हैं इसको याद रखना है मॉलिक्यूल्स को लाइड विद ईच अदर। इस बात को आपने समझना है फिर थ्योरी को आपको समझने के लिए आसानी होगी कि हम अगर उस पहले पॉइंट की बात करें जिसके बाद हमने दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर हम गैसेस की बात करें तो उनके टेन डेज टू पावर थर्टी टू मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं अब अगर इतने मालिक्यूल के कोलिजन फ्रूटफुल हो जाए तो रिएक्शन नहीं होगा एक्सप्लोजन होगा कितने ह्यूज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेड एकदम से एक सेकंड में वो किसमें चेंज हो रही है प्रोडक्ट में चेंज हो रही है कि हर कुलयन अगर फ्रूटफुल हो देखिए हर मालिक्यूल का जो कुलयन है वो फ्रूटफुल का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ह्यूज नंबर ऑफ रिएक्टेड चेंज हो रहे प्रोडक्ट में तो वो रिएक्शन नहीं कहलाएगा वो एक एक्सप्लोज़न की तरह प्रोसीड होगा इट्स मीन जिस जगह पर आप रिएक्शन कर रहे हैं अगेन वो सर्वाइवल के काबिल नहीं रहेगी तो ये बात ऐसे होती नहीं है अमूमा ऐसा नहीं होता रिएक्शन बड़े आराम से प्रोसीड हो जाते हैं बहुत सारे बहुत सारे थोड़ा फास्टली प्रोसीड होते हैं लेकिन अमूमन ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि गैसियस रिएक्शन या रिएक्टेड के जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोजन की तरह हो तो इसका मतलब है कि हर कोलेन हर कोलेन फ्रूटफुल नहीं होता इसी वजह से हमने ये कहा कि कोलेन को फ्रूटफुल होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है उसके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी तो फिर वो कुलयन फ्रूटफुल होगा देखिए फॉर एग्जाम्पल हम इसी के आगे जाते हैं इसी पे बात करते हैं डीकंपोजिशन ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड की अगर हम डिकोजिशन की बात करें तो इन्हीं कंडीशंस पे, अगर ये गैसियस फॉर्म में तो इसके इतने मालिकुल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन इस कंडीशन पे जो मालिक्यूल इसके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे वो बहुत ही कम नंबर में होंगे दैट इज ऑलमोस्ट टेन डेज टू पावर माइनस थ्री यहां पर देखे टेन डेज टू पावर थर्टी टू मालिक्यूल चेंज होकर में जा रहे हैं सॉरी टेन डेज टू पावर थर्टी टू मालिक्यूल कर रहे हैं लेकिन जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं वो कितने हैं टू पावर तो इतने मालिक्यूल्स बहुत कम अमाउंट में मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं ठीक है तो कोलाइड तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मालिक्यूल करते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं वो बहुत कम नंबर ऑफ मालिक्यूल चेंज होते हैं अब ये वजह क्या है क्यों कि उन तमाम मालिक्यूल्स में से जिन मालिक्यूल के पास काइनेट एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम नंबर में होते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोलेन के साथ साथ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का होना भी जरूरी है ये यह यहां से ये यह बात आपको क्लियर होगी होगी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें मैंने आपको एक बात कही कि हर मालिक्यूल के लिए ओरिएंटेशन का होना जरूरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल देखें एक हाइड्रोजन एटम है इसका दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कराएं तो ये दोनों एटम ही है जिस भी ओरिएंटेशन में जिस भी डायरेक्शन में आए इन्होंने तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेना है लेकिन अगर आप देखें ये कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करे इससे आपको पता है CO2 बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ठीक है अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन के लिए जरूरी है कि दोनों रिएक्टेंट की ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल देखो हम ये कहते हैं दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है एंड दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अब देखिए मैंने आपसे पहले ये बात कही है कि रिएक्टेंट का जब कोल हो उस दौरान उन पार्ट्स का कोलाइड करना जरूरी है जो क्या हो रहे हो चेंज हो रहे हो रहे हो अब देखिए इसमें क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आ रहा है अगर ओरिएंटेशन में ये इस तरह से आ जाए यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन कोलाइड कर रहा हो तो फिर यह रिएक्शन नहीं होगा क्यों नाइट्रोजन ने तो एक्सचेंज होना नहीं है एक्सचेंज ऑक्सीजन ने होना है तो इसका मतलब यह है कि कार्बन के साथ इसके ऑक्सीजन को आके कोलाइड करना चाहिए तो इस इसके लिए जो ओरिएंटेशन चाहिए वो क्या है वो इस तरह से है कार्बन इस तरफ यू अगर हो ठीक है तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड होगा क्यों? कि देखो जब इधर से एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं और इन्होंने ही एक्सचेंज होना है तो फिर हमारा रिएक्शन क्या होगा फ्रूटफुल होगा ठीक है तो फिर रिजल्ट में क्या है ये चीज और ये चीज ये हमें प्रोडक्ट बन जाएगा तो इट्स मीन आई होप यहां से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ओरिएंटेशन कैसे एक रिएक्शन में अहम रोल प्ले करती है तो दैट्स ऑल अबाउट कोलेन थ्योरी कोलेियन थ्योरी में मेन तीन ही पॉइंट हैं उन्हीं पॉइंट्स को हमने लेकर डिटेल में एक्सप्लेन किया आई होप यहाँ तक कि कोलेजन थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन मैंशन इट इन कमेंट बॉक्स थैंक यू वेरी मच